यूपी में चौथे फेज के चुनाव के लिए वोटर्स को लुभाने की कवायद तेज हो गई है। उरई में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा है कि बुंदेलखंड के विकास के लिए हम कमिटेड हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो यहां अलग से बुंदेल विकास खंड बनाया जाएगा। बुंदेलखंड के सामने एक अवसर आया, ऐसा मौका गंवाइए मत भाइयों बहनों। इस चुनाव में बुंदेलखंड में एक भी सपा बसपा का कांग्रेस का नमूना लखनऊ नहीं पहुंचना चाहिए, एक नमूने के तौर पर भी नहीं पहुंचना चाहिए। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को जताइए भाइयों बहनों, बुंदेलखंड का एक हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है, बुंदेलखंड का एक हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है। भारत सरकार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को भी पैसा देता है, भारत सरकार मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को भी पैसा देता है, उत्तर प्रदेश का सरकार बुंदेलखंड में पूरे पैसे भी खर्च नहीं कर पाती है। सरकार अच्छी हो तो पैसों का सदुपयोग कैसे होता है, वो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड में करके दिखाया है। अगर मध्य प्रदेश में हो सकता है तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमें करना है भाइयों, हमें ये करके दिखाना है। ये मोदी ने बीएसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीएसपी का मतलब बहन जी संपत्ति पार्टी हो गई है, बीएसपी का बहुजन बहन जी में सिमट गया है। बहन जी ने तो कहा कि पूरी तैयारी नहीं की थी, सरकार ने नहीं की थी कि आपने नहीं की। उन्होंने कहा एक सप्ताह दे देते तो फिर बहुत हमारा विरोध नहीं था। ये सप्ताह किसके लिए भाई, ये बीच में सप्ताह की क्या जरूरत थी? मुलायम सिंह ने भी यही कहा, अरे भाई पहले घोषणा करनी चाहिए थी, लोगों को तैयारी करने का मौका देना चाहिए था और उसके बाद लागू करना चाहिए था। अगर उसके बाद लागू करता तो नोटे बैंक में आती क्या, आती क्या? पूरा खेल खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता? लूटने वाले लूट के चले जाते कि नहीं चले जाते? उनको नोटबंदी से ज्यादा परेशानी इस बात की है कि तैयारी करने का मौका नहीं मिला। भाइयों बहनों, और रातों रात बैंकों में धनाधन पैसे जमा होने लगे। और फिर चिल्लाने लगे कि चुनाव आता है तभी मेरे भाई का हिसाब क्यों खोला जाता है, चुनाव आता है तभी बीएसपी ने 100 करोड़ रुपया जमा किया तो उसकी चर्चा क्यों हो रही है। अरे बहन जी, चुनाव आया इसलिए चर्चा नहीं हो रही है, आपने नोटबंदी के बाद अभी अभी जमा किया इसलिए चर्चा हो रही है। भाइयों बहनों, अब तो बीएसपी का नाम ही बदल गया है, अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है, बहुजन तो सिर्फ बहन जी में समेट गया। अक्षर वही है, जगह बदल गई, अब वो बहुजन बहन जी बन गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। इधर रायबरेली से अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर हमला किया है। अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे अखिलेश ने पहले तो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, उसके बाद नोटबंदी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया।
अखिलेश यादव ने कहा कि पैसा काला नहीं होता बल्कि नीयत काली होती है। पीएम मोदी ने ईमानदारी से कमाए पैसे के लिए भी लोगों को लाइन में लगा दिया। अखिलेश यादव ने यह दावा किया कि मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में 24 घंटे बिजली यूपी सरकार ने दी है। अखिलेश का कहना है कि पीएम मोदी सिर्फ मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। बताओ क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी? और अभी तो कमाल हो गया, अभी तो कमाल हो गया। उन्होंने कहा कि बताओ दिवाली पर और रमजान पर हम 24 घंटे बिजली देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को कोई जानकारी नहीं है। काशी के होते होने वाले चुने वाले कम से कम सच बोलो। गंगा मैया को बहुत मानते हो, आप गंगा मैया के बेटा हो, आप गंगा मैया की कसम खाओ और बोलो समाजवादी पार्टी 24 घंटे बनारस में बिजली दे रही है कि नहीं दे रही है। तेज है बांदा में, राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष की रैली को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं बांदा। कम से कम उस पैकेज का 10 रुपए में से आज हमें 2 पैसे मिलते हैं, मगर कम से कम उस पैकेज के 10 रुपए से हमें 1 करोड़ रुपए को लेने चाहिए। 10 बात तो नहीं है, ये आपने मुझे कहा 2 करोड़ फॉर्म हमने भरवाए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के घर गए, उनसे फॉर्म भरवाए। कितना कर्जा है? किसी का 10,000 रुपया, किसी का 20,000 रुपया, किसी का 40,000 रुपया। ऐसे 2 करोड़ किसानों ने हमारे फॉर्म भरे। उन फॉर्म को मैं दिल्ली ले गया मोदी जी के पास। पिछले 2.5 साल में मोदी जी ने 50 परिवारों का 1,40,000 करोड़ रुपए माफ किया है। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग, उनमें से मेरे मालिया जी भी शामिल, नाम सुना है? हाँ, दारू बेचता है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने 1,200 करोड़ रुपए की टॉपी दिलाई। कहा ये लो मालिया जी, आप लंदन में हो, ये लो 1,200 करोड़ रुपए की टॉपी। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा मोदी जी 2.5 साल में आपने 50 परिवारों का 1,40,000 रुपया मांग किया है। उत्तर प्रदेश का किसान घबराया हुआ है, इंसेक्टिसाइड की बोतल को देखता है, डरता है कि ऐसा दिन ना आए जब मुझे इंसेक्टिसाइड पीकर आत्महत्या करनी। उसके बच्चे घबराते हैं, पूरा परिवार घबराता है। मोदी जी आप उसकी मदद कीजिए। जैसे आपने 50 लोगों का किया कर्जा माफ, वैसे ही आप उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ करिए। मैंने घर बोला सही बोला आप मोदी जी का जवाब सुनो, मजेदार जवाब। उस तरफ मैं बैठा हूं, बीच में बड़ी जमीन, इस टाइम मोदी जी पास में प्रधानमंत्री के ऑफिस में जो काम करते हैं उनके पास खड़े। मैंने उनसे कहा मोदी जी ऐसे कीजिए किसानों का आप कर्जा माफ कीजिए। मोदी जी का जवाब देखिए, राहुल गांधी राहुल गांधी हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। एक शब्द मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं बोले। कोशिश करूंगा, हाँ किसान घबराया हुआ है, ट्रस्ट है, उसकी मदद करने की कोशिश करूंगा, एक शब्द नहीं बोले। और फिर 3 दिन पहले यहां आते हैं और कहते हैं मित्रों अगर तुमने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार
बढ़ा दी तो नरेंद्र मोदी तुम्हारा कर्जा माफ कर देगा, किसानों का कर्जा माफ कर देगा। अब आप मुझे बताओ जब आप हमारे पास किसान आए, मनमोहन सिंह जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं थे, मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जी ने आपसे तो ये नहीं कहा था कि भैया आप मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, आप मेरी सरकार बनाओ उत्तर प्रदेश में तो मैं आपका कर्जा माफ करूंगा। मनमोहन सिंह जी ने कहा आपको मुश्किल है, हिंदुस्तान का किसान घबराया हुआ है, ये लोग 70,000 करोड़ रुपए हमने माफ कर दिए, चलो बैंक के दरवाजे को लिया माफ। मोदी जी अगर आप कर्जा माफ करना चाहते हो आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, कैबिनेट मीटिंग बुलाओ, उसमें जेटली जी को बुलाओ, सुषमा जी को बुलाओ और 5 मिनट में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कर्जा माफ कर सकता है। आपकी नियत साफ नहीं है, आपकी नियत साफ नहीं है। जैसे आपने बिहार को कहा था चुनाव के समय, वैसे आप उत्तर प्रदेश को कह रहे हो। बिहार में मोदी जी ने कहा था स्पेशल स्टेटस दूंगा, लाखों करोड़ रुपए दूंगा, चुनाव खत्म हुआ मोदी जी हारे, एक रुपया नहीं दिया। जानूंगा आपको बिहार के समय, बिहार के चुनाव के समय बिहार की बहुत विकास की बात हो रही थी, याद है आपको? आप बताओ भैया हमारा गठबंधन हुआ, मोदी जी को हराया, बिहार के चुनाव के बाद मोदी जी के मुंह से बिहार शब्द निकला? बिहार की विकास की बात हो रही है, एक शब्द नहीं। जहां भी जाते हैं रिश्ता बनाते हैं, इलेक्शन के समय रिश्ता बनता है, रिश्ता बनता है इलेक्शन के समय। मित्रों भाइयों बहनों, तो किसान कर्ज माफी का मुद्दा राहुल गांधी इस वक्त बांदा में। बहरहाल यूपी में नेताओं की जुबान अब जहरीली होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और सीनियर नेता राजेंद्र चौधरी ने विवादित बयान दिया है। राजेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को आतंकवादी कहा। कल फतेहपुर में पीएम मोदी की स्पीच पर टिप्पणी करते करते राजेंद्र चौधरी की जुबान फिसल गई और देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी करार दे दिया। फतेहपुर में पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी सरकार धार्मिक और जातीय आधार पर भेदभाव करती है। यूपी के एटा में हैवानियत की हद देखने को मिली है। एक बुजुर्ग महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 60 साल की महिला के साथ बदमाशों ने मारपीट भी की। बागपत में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मामला खेकड़ा थाना इलाके का है। बदमाशों ने नगर पंचायत चेयरमैन नीलम धामा के देवर और उसके एक साथी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। गाजियाबाद के मोदी नगर में रोड रेज का मामला सामने आया है। मोदी इंटर कॉलेज के सामने दो गुटों में गाड़ी पार्किंग को लेकर कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। दोनों तरफ से फायरिंग भी की गई। इस दौरान कुछ लड़के घायल भी हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। गोंडा के कटरा बाजार इलाके में प्रचार के दौरान बीजेपी के काफिले पर हमला हो गया। कुछ लोगों ने बीजेपी की गाड़ी पर पथराव किया जिससे कई गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। कटरा बाजार सीट से बीजेपी प्रत्याशी बावन सिंह के पक्ष में प्रचार हो रहा था और इसी दौरान तुरका डीहा गांव में कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। यूपी के संभल में डीजे पर डांस को लेकर बारातियों में चाकूबाजी हुई जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मामला संभल के बहजुई थाना इलाके का है। बाराती में डांस करने के को लेकर विवाद हुआ था। यूपी
यूपी के संभल में हर्ष फायरिंग हुई है। असमौली थाना इलाके में शादी के जश्न में दूल्हे के पिता ने जमकर फायरिंग की। हर्ष फायरिंग से 3 लोग घायल हो गए। एक लड़की की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे मुरादाबाद रेफर किया गया है। आज जयसोड़ा गांव में अतर सिंह के बेटे टिंकू का रिश्ता आया था और जगन के दौरान उसमें उसने फायरिंग कर दी है, जिसमें एक कमली नाम की लड़की घायल हुई है। कमली के पिताजी केवल सिंह ने के खिलाफ मुकदमा लिखकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो डर ने कोई अभी राहत दी आई है उसको मेडिकल कराते हैं और उसका उपचार कर। कानपुर के किदवई नगर विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए और जमकर बवाल किया। दो पक्षों की ओर से हुए पथराव में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। दरअसल कल कानपुर में वोटिंग थी। बीजेपी प्रत्याशी महेश त्रिवेदी और कांग्रेस प्रत्याशी अजय कपूर के समर्थक पोलिंग बूथ में जमा थे। अचानक दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और पथराव शुरू हो गया। हालात को बिगड़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को भगा दिया। आया था जैसे मैदान में कवरेज करने और पीछे से ईंटें डाल गए, 4-5 ईंटें हैं। जो पहला मैं बचा, दूसरा ईंटा आके ऊपर से मेरे सर पर बैठ गया और मैं भागता हुआ जब यहाँ पे आया पुलिस से बताया तो पुलिस कहने लगी ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे ट्यूब लगा दिया गया, हल्का सा पट्टी बांध दी गई और दर्द बहुत हो रहा, खून बहुत निकल गया। दिल्ली के आनंद विहार पोस्ट ऑफिस में आधी रात को लूट का मामला सामने आया है। 17 कैश बैग लेकर लुटेरे फरार हो गए। आनंद विहार पोस्ट ऑफिस में तैनात 2 गार्ड्स को बंधक बनाकर आधी रात को ये लूट की गई। लुटेरों ने मेन तिजोरी को भी तोड़ने की कोशिश की। लूट की रकम का खुलासा नहीं हुआ है। कितने बैग? कैश बैग 17 बैग। और जो लॉकर है वो भी टूटा हुआ है? लॉकर भी टूटा हुआ है। अच्छा, अमूमन ये बताइए कि एक बैग में कितना कैश होता है? जो बैग आपने देखा है एक बैग में लिस्ट बना रखी है, लिस्ट कितने होंगे कैश एक बैग में? 17 बैग है कैश के। एक बैग में कितने कैश होते होंगे यहाँ पे डाक पोस्ट ऑफिस में? ये तो अच्छा, लॉकर में कितने कैश होते होंगे यहाँ पे? आप तो काफी टाइम से काम कर रहे हो। लॉकर में तो लॉकर में लिखा हुआ, अंदर समझ में लिखा हुआ कितना कैश। अच्छा, कितने गार्ड रहते हैं रात के वक्त, इधर देख के बताइएगा? गार्ड तो 2 है। अच्छा, एक बार अंदर एक बाहर।